नाबालिग बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। एसएसपी मौके पर। कुंदरकी थाना क्षेत्र के जलालपुर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ हालात में एक बच्चे का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला नगर से सटे जलालपुर मार्ग का है, जहां 14 साल के एक बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले तो शव को कब्जे में लिया, बाद में उसकी शिनाख्त कराने के लिए पुलिस ने लोगों को बुलवाया। बच्चे की पहचान कुंदरकी के ही ढकिया निवासी शेर मोहम्मद पुत्र मुस्तकीम के रूप में हुई। कहा जा रहा है कि 14 साल का बच्चा शेर मोहम्मद कुंदरकी नगर की एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखता था, जो कल दोपहर 3 बजे से गायब था। बच्चे के परिजन कल से ही उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वह काफी तलाश के बाद भी नहीं मिल पाया। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी लगी तो पुलिस ने तुरंत ही डॉग स्काउट व फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया। दोनों ही टीमों ने घटना का जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस को घटना का खुलासा करने के आदेश दिए। राम ढकिया जम्मा का लड़का है शेर खान मुस्तकीम, इनका बाप का नाम है, और ये टीवी की दुकान पे यहाँ काम करते थे, बुलट चौराहे पे, भूरा भाई की दुकान पे। उनकी शादी थी, वो अपनी शादी में लगे हुए थे। तो घर से क्या क्या कर निकले थे ये? घर पर वही दुकान के लिए निकले थे मॉर्निंग में, तो दुकान पर जा रहा हूँ मैं। वहाँ पहुँचे दुकान पर? दुकान से पहुँचने के बाद 3 बजे रहे, 3 बजे के बाद मैं आया कि दुकान पर भी नहीं है, 3 बजे से गायब थे। तो संपर्क करने की कोशिश की आपने? सबने संपर्क किया, इनका नंबर ऑफ था। तो यहाँ कैसे वगैरह में ढूंढा गया, यहाँ बाप ने वालिद साहब को पता चला, नंबर नहीं मिला, तो वो लोग परेशान हो गए शाम में। और इनके बारे में जो पता चला था, वो शाम में पता चला था कि लड़का दुकान पे नहीं है और दुकान भी खुली हुई है। तो भोरा भाई को पता चला, वो घर से आए, उन्होंने दुकान बंद करके घर से गए। तो यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पर है आपका? अच्छा, यहाँ एसओ साहब की कॉल आई थी 9:30-10 बजे करीब, तब उन्होंने बताया कि आपके यहाँ कोई लड़का गायब तो नहीं है। आपको गांव-गांव पूछ रहे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, आप इसमें क्या निर्णय निकल के आता है, सब उसकी जांच करेंगे, जो भी होगा न्याय मिलना किया जा रहा है। डेड बॉडी मिली है, पहचान भी हो गई है कि ये कहाँ का है। पता चला कि शाम को 3 बजे अपने जहाँ पे काम करता है वहाँ से ये निकला था, और उसके बाद आज उसकी बॉडी मिली। घर वालों ने भी कोई सूचना नहीं दी थी, उनको अंदाज़ा था कि ये रात बिरात आता रहता है, इस वजह से बताया नहीं था। लेकिन ये तक क्या है कि इसका मोबाइल फ़ोन शाम के समय स्विच ऑफ था। आज जब सुबह यहाँ पे अज्ञात में बॉडी मिली और उसके बाद पुलिस ने सर्च किया और लोगों के पास फोटोग्राफ लेके थे, इसकी पहचान हुई थी, और अभी इसकी जांच चल रही है। ये हत्या का मामला है और निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ मामला होगा। हत्या के पीछे की वजह कुछ अभी कोई वजह, अभी घर वाले भी एक दो लोग नहीं आए हैं, टाइम लगता है अभी, जो भी सत्य होगा वो आएगी।